गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी बच रहा है टाइम 11 और जाएंगे मंदिर। आज हम बाटा मंगला के मंदिर, माँ के मंदिर जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा पूजा करेंगे और घर आ जाएंगे। तो चलिए हम जाते हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए, एक्चुअली मैं पूरी पर हूँ। पूरी पर तो एक्चुअली मंदिर तो हर जगह है, तो मंदिर ही चलते हैं अभी सुबह सुबह। चलिए चलते हैं। गुगनू नहीं जाएगा, वो सो रहा है। उसको मैंने सुला दी है क्योंकि धूप हो रहा है, तो उसको बाहर ले जाना ठीक नहीं है। तो वो सो रहा है, इसीलिए पिंकी और मैं हम दोनों जाएंगे थोड़ा सा मंदिर। तो हम दोनों फिर से चले। कुछ काम धंधा नहीं, काम ढूंढते रहते हैं। गुगनू को सुला दो और चलो घूमने। ये साइड जगह रुकी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और हम पहुँच गए हैं माँ जी, माँ के मंदिर। बोल रही थी ये वाला प्लेस बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा हम यहाँ पर घूम रहे हैं। देखे, बीच में रोड है और नारियल का पेड़ दोनों तरफ। तो थोड़ा सा हम फोटो वगैरह उठाएंगे। एक्चुअली प्लेस बहुत ही अच्छा है। हवा से एक बस रही थी। ये दोनों अभी खेल रहे हैं। और भाभी जी यहाँ पे खा रहे हैं। डालमा साग, सजना साग, ये डाल वाला साग और ये है खट्टा। अभी पिकनिक के टाइम पर हम दोनों फिर से जा रहे हैं घूमने। और अभी गुगनू को हम लेकर आगे और पिंकी गाड़ी चला रही है।
अचार चाहिए और हाँ अचार अचार भी ख़त्म हो गया है तो अचार भी चाहिए, तो वहाँ से खरीद कर मैं घर लेकर जाऊँगी। आज शॉपिंग हो रहा है घर के लिए, मैं जाऊँगी ना घर, तो इसीलिए घर के लिए शॉपिंग हो रहा है। गुगनू को हम बाज़ार नहीं लेकर आए थे, यहाँ पर आज लेकर आए हैं। गुगनू देखिए बुआ के स्टॉल में क्या कर रहा है। गुगनू गुगनू चंद्रकांती आरिसा पिठा, पोड़ो पिठा, ये सब मीठा डिब्बा पर, ये पकोड़े, जगन्नाथ में घोष यात्रा पर सब मिट्टी का सामान, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव षष्ठ वार संध्या रे परिवेशन कर माँ अष्टभुजा गोटी पुह भोग। जय जगन्नाथ। चलो जीबा, चलो चलो नन्हे चलो। देखिए गुगनू और पिंकी दोनों आ रहे। हम आज फिर से आ गए हैं नीलाद्री बीच पर। गुगनू हम लोग फिर से नीलाद्री बीच आ गए हैं क्योंकि मेन बीच पर बहुत ही भीड़ रहता है और शोर शराबा बहुत है, तो गुगनू को इतना शोर शराबा पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा शांत, इतना भी लोग यहाँ पर नहीं है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं कल आई थी तो इसीलिए गुगनू को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, और गुगनू को तो बीच पसंद है और मुझे भी, तो हम दोनों आ गए हैं फिर से बीच पर। अब शायद आज घूमना फिरना हमारा लास्ट डे है तो घर चले जाएंगे।
से, और बुकनो तो बहुत ही एंजॉय कर रहा है नाइट के टाइम। आप देखिए समुद्र कितना अच्छा दिख रहा है व्यू। मैं आपको दिखाती हूँ समुद्र का व्यू, वहाँ पर सब लाइट्स वगैरह है। बीच इवनिंग टाइम, और ये है गुगनू। गुगनू बीच के साइड क्या कर रहा है, इसका कार चला रहा है। देखिए गुगनू कैसे खेल रहा है बीच पर। इसको ना जो क्राब होते हैं उसको अंधेरे में दिखाई देता है, और वो इस तरह से खेल रहा है पाव पर। गुगनू कार चलाओ, नहीं 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 सड़े नहीं सड़े नहीं सड़े नहीं असल। एडी हसबो अच्छी लानी बबली चल। नहीं जी जी अच्छी ला बाबा ले अच्छी ला। ओ नो एटा भी अच्छी लानी आ गोटे अच्छी ला। गुगनो उसको मिला रहा है गुगनो डाके अच्छी ला गुगनो अच्छी ला। नो इटा अरे अच्छी ला ली डुगो इटा अच्छी ला। आ पढ़े पढ़े होता ही गले यहाँ पर भाभी जी और गुगनू दोनों ही खेल रहे हैं रेत से। गुगनू भाभी जी यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं। होगा नीचे से खोद नीचे से खोद लो हो जाएगा, खोद लो ना हो जाएगा। क्या है ये पता नहीं, मेरे घूमना तो रथ में कर रहे हो कि नौरथ बट नहीं हो पा रहा है। होगा इठी नहीं बाबा सही करो।
अच्छा जी भाई पड़े पड़े लाइट हाँ हाँ कह सारी जी अलरेडी कहली फोन कथ तुम फोन कल देखिए।